अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बचपन में एक लड़की आधा खेल छोड़ के चली गई, तब से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। जल्दी शहर से वापस आऊंगी, तू बैटिंग कर लेना। क्यों, आज फिर से ब्रेक फेल हो गया? हाँ, पर आज दिल का ब्रेक फेल हो गया है, गाड़ी का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं दीप। आज वर्षों के बाद मैं अपना अधूरा खेल पूरा करने आई पूजा। अरे 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 बेटा, अरे पागल हो गई हो क्या? माँ ऐसी बात बताऊंगी कि तुम सुन के पागल हो अच्छा, जाओगी। ये बात है, जल्दी बोल। माँ कल मुझे दीप मिल गया, वो परदेश से वापस आ गया है। ये बात है क्या, तू सच बोल रही है? हाँ माँ, मैं दीप से मिलकर ही आ रही हूँ। तो मुझे भी उससे मिलना पड़ेगा, बरसों से उससे मिलने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है, कल ही उनसे मिलने जाएंगे। हाँ माँ। आओ बेटी। रामजी भाई। कौन? अरे जमुना बहन, तुम कई वर्षों बाद इस गरीब के आंगन में आई, आओ बैठो। बाबूजी, दीप कहाँ है? नदी किनारे काम चल रहा है, वहीं गया होगा। माँ मैं दीप को बुला कर लाती। ठीक है। बचपन से पूजा दीप के लिए पागल है, शारदा बहन बाहर गई है। रामजी भाई, घर के होकर भी इस बात की खबर नहीं दी हमको, शारदा बहन को अचानक क्या हो गया? बीमार थी। शहर में चाहे जो बीमारी हो इलाज होता है, क्या हम पराये थे? कौन पराया कौन अपना, इस दुनिया में यही समझ में नहीं आता। अच्छा बहन रो मत, शायद दीप की माँ की उम्र पूरी हो गई थी। शारदा बहन ने हमारे दुख में हमारी कितनी मदद की थी, भगवान ने उनकी सेवा करने का थोड़ा भी हमें मौका दिया होता तो। ये सब तो नसीब का खेल है जमुना बहन, कई बार तो वो घर के दरवाजे से वापस चला जाता है। खैर नसीब में जो भी लिखा होता है वही होता है। अब आपको यहाँ नहीं रहना है, आप और दीप हमारे घर चलिए, यहाँ आपकी सेवा कौन करेगा? इसी तरह से बरस निकल गए बहन, अब तो दीप की शादी करूंगा, घर में बहू आ जाएगी। तू बहुरानी बन के मेरे घर में आएगी तो इस गांव के छोटे से घर में तेरा मन लगेगा? इस माटी में मैंने अपना बचपन बिताया है, मालम के दिल में बसना इसका मतलब स्वर्ग में बसने जैसा है, तो फिर गाँव हो या शहर हो। तो फिर नए काम में देरी कैसी, आज ही बात कर लेना, मेरे बाबूजी हैं और तुझे जानते भी हैं। दीप और पूजा की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। माँ जी प्रणाम। दीप कितना बड़ा हो गया है तू। रामजी भाई, हमारा दीप तो कोई हीरो से कम नहीं है। इस बूढ़े का अनमोल रतन यही है। माँ वैभव लक्ष्मी से मेरी एक ही विनती है कि मेरे बेटे को सुखी रखे। इसे हमारे साथ शहर भेज दो,
फिर देखना इसकी जिंदगी की प्रगति कैसी होती है। मेरी ये दौलत तो मेरे पास रहने दो बहन, शहर के स्वार्थी लोग इसे लूट लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। मुझे मेरे दीप के बिना एक पल अच्छा नहीं लगता बहन, एक पल अच्छा नहीं लगता। तो फिर एक बात के लिए आप मुझे ना नहीं कह सकते, मेरा हक है इसीलिए मैं पूछूंगी नहीं। शारदा बहन का एहसान तो इस जिंदगी में मैं चुका नहीं सकती। मेरी पूजा इस घर में बहू बन के आएगी। पर बहन ये अगर कैसे आपने एक शब्द भी कहा तो आपको मेरी कसम राम जी भाई और शारदा बहन का ऋण तो चुकाना बाकी ही रह गया। किसका ऋण और क्या बात, परसों बात तुम्हारे दिमाग में ये कैसा भूत चढ़ गया है। मैं अभी राम जी भाई से मिलकर आ रही हूँ। बेचारी शारदा बहन, वो स्वर्गवासी होकर बरसों हो गए और हमको पता भी नहीं चला। अब ये नई जिंदगी की भाग दौड़ में इतनी छोटी छोटी खबर पता करने का मेरे पास समय कहाँ है। मुझे तो अभी पता चला कि तुम मुझसे पूछे बिना वहाँ गई थी। पैर से निकाले कांटे को तो जंगली जानवर भी नहीं भूलता, फिर हम तो इंसान है। जब अपने पास सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं था और खाने के लिए एक एक दाने के लिए हम तड़प रहे थे, तब यही दयालु भगवान जैसे राम जी ने हमें आकर सहारा दिया। हमें दुख में उन्होंने एक मन अनाज दिया था, अगर वो लोग अभी भूखे मर रहे हैं तो 10 मन अनाज दे आओ। उपकार और प्यार आपके बाजार की कोई वस्तु नहीं कि उतारा जा सके। दिल से किया हुआ एहसान 1 किलो या 10 किलो से नहीं मापा जा सकता। तो तुम कहना क्या चाह रही हो, जो कहना है साफ साफ कहो। मैं पूजा की शादी दीप से करना चाहती हूँ। जमुना, पागल हो गई है क्या, होश हवास गवा बैठी है। तू तो अच्छी तरह जानती है कि हम एक नौकर पसंद करने के लिए 1000 बार सोचते हैं, ये तो जवाई पसंद करने वाली बात है। एक मन गेहूं के बदले में बेटी नहीं दी जाती है। पूजा भी ये बात सुनेगी तो उसे लगेगा कि माँ का माथा फिर गया है। बाबूजी, मैं भी दीप से ही शादी करना चाहती हूँ। तुझे भी तेरी माँ ने सिखाया है लगता है। माँ बेटी मिलके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। बाबूजी, जो ठीक लगता है वो करो, चाहे जो भी धमकी दे दो, पर मेरे मन में जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करके ही रहूंगी। नालायक, अभी के अभी निकल जा इस घर से, दोबारा अपना काला मुंह मत दिखाना। अगर आपको मेरे गाल में तमाचा मार कर अपने बाप के अधिकार का आखिरी उपयोग करना है तो कर लो, क्योंकि इस घर से पैर बाहर निकालने के बाद मैं दीप की विवाहिता हूँ, पराई हूँ, फिर आपका मेरे पर कोई अधिकार नहीं। चली जाए यहाँ से वरना। हाँ हाँ, मेरी बेटी जरूर जाएगी। दिल का ऋण चुकाने की ताकत भले ही आप में ना हो, लेकिन मेरी बेटी में तो है। ऋण ऋण ऋण, कैसा ऋण, किसका ऋण? जीते जी कभी नहीं भुलाया जा सके वो ऋण। रुको, अभी बताती हूँ। देखो, ये है वो ऋण, शारदा बहन का दिया हुआ गहना, माँ वैभव लक्ष्मी का प्रतीक, जिसके कारण हम इतने सुखी हैं। आपका नाम, आपकी इज्जत, आपका पैसा, ये सब माँ वैभव लक्ष्मी का ही दिया तो है। मैंने अपनी दौलत, अपनी बुद्धि और अपने पुरुषार्थ के बल पर कमाया है, ना कि किसी की मेहरबानी से। मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानता। नाथ, हे दयालु दीनानाथ, अब दूसरी दीवार कब बनेगी? लोग दाढ़ी तो खुद ही बना लेते हैं और बाल बढ़ाने लगे हैं, ऐसे में पैसे कहाँ से आएंगे? अरे मेरी रानी, तेरा खुसट बाप नहीं मानता तो कोई बात नहीं, पर तू तो मेरे दिल की हालत पर कुछ विचार कर। अरे मैं तेरे हजामत के पैसों से ताजमहल बनवा दूंगा, उसके बाद अपन दोनों ताता तैया ताता तैया ताता तैया। वाह, अरे इसलिए तो मैंने दाढ़ी का भाव बढ़ा दिया। तू सिर्फ एक बार मेरी हो जा और अपने खूसट बाप को समझा दे, नहीं तो मैं तेरे बिना अपनी जान दे दूंगा। बोल रहा हूँ। प्राणनाथ, प्राण देने की कोई जरूरत नहीं। कौन बोला? आ, आ, आ,
नात्या, मेरे प्रीतम, ये तो मैं हूँ, तेरी सोना। अरे बासी दाल, तू फिर से बगजबारी करने आ गई। नात्या, मैं तो तेरे दिल की रानी हूँ। जाजा लुची, मेरे दिल की रानी तो मेरी नाथी है। तू भोला और मूर्ख है। तेरी नाथी को तो तेरी दीवार से प्रेम है, पर मैं तो तेरे दिल का सौदा करने आई हूँ। हैं? दिल का सौदा? हाँ नात्या, मुझे तुझसे सच्चा प्रेम है। जब से तुझे पहली बार देखा तब से ही तू मेरे मन में बस गया है। आए हाय, अरे पर तू तो पैसे वाले की बेटी है, तेरा बाप विरोध करेगा तो? अरे सच्चा प्रेम हो ना तो लड़की बाप से क्या दादा की भी नहीं मानती। ये बात तो सही है। और मैं तो तुझे पूरे हक से अपने बंगले में ले जाने आई हूँ। बंगले? आहा, मुझे आज पता चला कि मेरे जीवन में विश्वासघाती नारी वो नाथी थी और मेरा जीवन आग से भर दी थी, और तू तो मेरे जीवन में गुलाब का फूल बन के आई है मेरी सोना। नात्या, सोना, तू तो मेरे दिल का हार है। तू तो मेरा होने वाला पति है। इस दीवार से तो मेरे 1,25,000 की इज्जत घट रही है। ये ले और ये दीवार तोड़ दे, फिर मेरे बंगले से हमारी शादी की शहनाई बजेगी। हाँ, तेरी आँख के सामने ही। अरे भले ही नाथी के लिए दीवार की ईंट नहीं ला सका, पर तेरे लिए नातिया आसमान से तारे तोड़ कर ले आएगा। पीछे हट जा, पीछे हट जा, लग जाएगी, पीछे हट जा। अभी तोड़ता हूँ। देखिए इस पहलवान की ताकत। सोना, टन 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 टन, सोना कहाँ चली गई? सोना, सोना, नालायक, विश्वासघाती, मुझे उल्लू बनाकर चली गई। वाह भगवान वाह, तू भी कमाल है। एक तो मेरी ऐसी हालत कर दी और ऊपर बैठ के मेरी फोटो खींच रहा है। नहीं तदेव लजनम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगृगम स्मरामि। अब जो होना था वो हो गया, अब क्यों परेशान होते हो? चुप हो जा, मेरी ये हालत तेरे कारण हुई है। माँ होके बेटी को भगाती है और बाप की इज्जत नीलाम करवाती है। एक तरफ ये दुख और दूसरी तरफ अभी तक 50,00,000 के सौदे का फोन नहीं आया। हेलो, क्या 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 कहा आपने? पर आपने तो वचन दिया था मुझे। ओ माय गॉड, क्या हुआ? खुश हो जा, मेरा 50,00,000 का सौदा कैंसल हो गया। तेरी वैभव लक्ष्मी की प्रार्थना फली। अरे अभी तक खाना नहीं शुरू किया, खाना ठंडा हो रहा है। थाली वापस ले जा, आज मेरा खाने का मूड नहीं है। तुम्हें आज हुआ क्या है? कुछ नहीं। जो भी कुछ हुआ है मुझे कहो, तुम्हें मेरी कसम। रजनी। हाँ। काका जी ने पूजा का अपमान करके उसे घर से निकाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। जिस दिन से वो इस घर से गई है धंधे में नुकसान पे नुकसान हो रहा है। जो इस घर की लक्ष्मी थी, काका जी ने उसका अपमान करके उसे घर से निकाल दिया।
प्रकाश, बहू की गोद भराई है, ये सबको पता चल गया है। अब तू जाके पूजा को भी बुलावा दे आना। जी काकी, फैक्ट्री जाकर किसी आदमी को भेज दूंगा। हाँ। तुझे कहा ना मैंने, वो नालायक इस घर के लिए मर गई है। इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, जन्म हो या मरण हो, उससे जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं। अरे लोग तो दुश्मन को भी कुछ समय के बाद माफ कर देते हैं, फिर ये तो सगी बेटी है। तुम तो पुरुष हो, घर में कोई बात हो और बेटी घर में ना हो तो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा, मुझसे सब सवाल करेंगे और मेरी ममता मुझे बार बार कचोरेगी। ये सारा गांव जिस प्रसंग में उपस्थित हो उसी में घर की बेटी ना हो। काका, सब कुछ भूलकर पूजा को बुला लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम तुम्हारी जानो, पर वो अगर इस घर में आएगी तो मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा। काकी रो मत, पूजा को लाने की जवाबदारी मेरी है और वो इस प्रसंग में जरूर आएगी। प्रकाश। हाँ काकी। पूजा बहन, पूजा बहन। कौन? प्रकाश भाई। हाँ बहन, तुम्हारी भाभी की गोद भराई है, इसलिए माँ और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है, ठीक समय पर पहुँच जाना। बाकी घर में सबकी तबीयत ठीक है ना? घर में सब मजे में है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अरे मगर चाय पानी? फिर कभी आऊंगा तब। देखा आखिर उन लोगों ने मुझे कितने प्रेम से कहलवाया है, मेरे माँ बाबूजी भाई भाभी से मिलने में मुझे कितना मजा आएगा। इसमें इतनी खुश मत हो, वो लोग तुझे प्रेम से नहीं बल्कि अपनी गरज से बुला रहे हैं। इस प्रसंग में समाज में उनकी बदनामी ना हो इसलिए शोभा बढ़ाने के लिए बेटी को बुला रहे हैं। तुम अभी मेरे भाई भाभी और बाबूजी को नहीं पहचानते, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें पछतावा हो रहा होगा। पूजा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर से निकलने का पछतावा तुम्हें होगा। मुझ पर विश्वास रखो, वहाँ हम लोगों को पूरा मान और सम्मान मिलेगा। तो एक काम कर, तू वहाँ जाके अनुभव करके आ जा, मैं इस जहर का प्याला नहीं पी सकता। दीप, दीप तुम कुछ भी कहो, मेरे साथ आना ही होगा। पर पूजा तू प्लीज, तुम मुझे इस बात पर निराश नहीं करोगे दीप, प्लीज। ओके। अरे धन जी, तू दादा बनने वाला है। नमस्ते बाबूजी। पूजा आ गई बेटा। माँ आओ। दीप कैसे है राम जी भाई? अच्छे हैं। बहन, दीप तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। बहना तुम माँ के साथ बातें करो, मैं दीप से बातें करता हूँ। आओ लाइए। और क्या चल रहा है दीप? बस हम सब तुम्हारी ही राह देख रहे थे। वो प्रकाश को क्या था कि हाय प्रकाश, हाय किशोर, हाय। बेटी जब तक तू थी सुख संपत्ति और वैभव था, पर अब तो हमारे सारे कारोबार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। माँ वैभव लक्ष्मी और इस घर की लक्ष्मी का अपमान करके तेरे बाबूजी इतना खराब फल भुगत रहे हैं। बेटी तू गई तो मानो इस घर से लक्ष्मी चली गई। बेटा प्रकाश, तेरी पत्नी का पांव बहुत अच्छा है। अपने घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी रजनी जो इस घर की लक्ष्मी थी, काका जी ने उसे निकाल दिया। बेटी जब से तू गई है मानो घर से लक्ष्मी ही चली गई है। अब मैं भी देखती हूँ इस घर की लक्ष्मी कौन है। पूजा चल अपनी विधि की तैयारी कर ले, मैं तेरी भाभी को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है माँ। चल